Hey there, Pisces, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life. This is your mid-month reading for you regarding your love life. आपकी love life के हवाले से ये mid-month की reading है और new moon की energies जो है वो आपने feel कर रही होंगी 12 to 13 May. So आप जो है हो सकता है कुछ unusual सा happening हुआ हो आपकी life में, तो आप मुझसे share कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है पाइसिस. सो न्यू मून जो है वो टॉरस में था, तो आपका थर्ड हाउस है, तो हो सकता है कुछ ओवरसीज से आपकी कुछ बनी हो सकता है ट्रैवलिंग के चांसेस बने हो. बट लेट्स सी के देखते हैं कि पाइसिस के साथ क्या है. ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप, ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड वन मोर कार्ड फॉर पाइसिस, थ्री ऑफ सोर्ड्स. ओके भाई, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली आप जो हैं किसी हवाले से बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हैं इस वक्त, और किसी कोई रिलेशनशिप है जो कि आप रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है आपका शायद, और आप जो हैं उसके हवाले से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और आप जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं, आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, गिव एंड टेक वाली सिचुएशन रखना चाहते हैं, लेकिन आप सिक्स ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन आप चाहते हैं. सिक्स ऑफ पेंटिकल से एट ऑफ पेंटिकल पे चले गए, दोनों तरफ से जो है वो गिव एंड टेक नहीं हो रही है. अब आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप में, या फिर अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके रिलेशनशिप में जो कि जिसमें किसी एक की मिस्टेक हो, तो उस जिसकी मिस्टेक है वो उसको अमेंड करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, या फिर हो सकता है आप अमेंड करना चाहते हो. और आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हैं, किसी हवाले से आप कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे, और हो सकता है आप किसी दो लोगों के दरमियान इंडिसाइसिव हों, कि जो है कोई हो सकता है कोई पास पर्सन भी वापस आपकी लाइफ में आ चुका हो और ये आपके लिए एक चैलेंज बना हुआ हो कि आप इस पर्सन को कैसे डील करें, पास पर्सन को किस तरीके से डील करना चाहिए आपको, करना है और करना चाहिए. और या फिर आपकी जो हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ आपकी कुछ क्लैश चल रहा हो, या फिर हो सकता है फैमिली मेम्बर्स में से किसी के साथ कोई क्लैश चल रहा हो, तो उस हवाले से आप बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हैं. उसके साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको डील करने में आप जो हैं किसी मसले का सामना कर रहे हैं इस वक्त. और फाइव ऑफ सोर्ड्स जो है हो सकता है आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी हवाले से. अगर आप इस टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, अगर आप इसी में रहते हैं, तो आपको जो है आगे जाके हार्ट ब्रेक्स और लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड की सिचुएशन मिलेगी, लाइक ब्रेकअप की सिचुएशन मिल सकती है. अगर आपने जल्दी कोई फ़ैसला नहीं किया, आपने अगर कोई जल्दी कोई स्ट्रेटजी प्लान नहीं की और आपने कुछ इस रिलेशनशिप को नर्चर करने के हवाले से जो कि चैलेंज है आपके लिए इस वक्त, कि आप किसी चीज़ को पास पर्सन को वापस अपनी लाइफ में लेते हैं या नहीं, तो आपके लिए ये एक चैलेंज है. अगर आप जो है इसी फाइट में रहते हैं, जो है विन एट ऑल कॉस्ट वाली सिचुएशन में रहते हैं कि किसी भी सूरत में आपको जो है ये फ़ाइट जीतनी है, अगर आप इसी में रहते हैं तो ये रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप की तरफ जा सकता है. और आपको बहुत सोच समझ के जो है इसका हल निकालना होगा. यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया है सेवन ऑफ सोर्ड्स ने, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ बातें हैं जो आपके ख़िलाफ़ हैं, या किसी के ख़िलाफ़ जो है ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से आपको डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है. हो सकता है किसी ने आपके पर्सन के बारे में कुछ ऐसी बातें की हों जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो रहे हैं उस पर्सन के हवाले से. हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो,
और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड है, तो डेफिनेटली न्यू पैशन किसी नए पर्सन के बारे में कुछ लोगों ने जो है वो बातें करी हैं आपसे, या फिर आपके बारे में किसी ने बातें की हैं उस पर्सन से, तो आप इस उन बातों की वजह से इनडिसाइसिव हुए हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से कि आपको आए ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। सो यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज़ द सिक्स ऑफ कप फॉर पाइसेस। What is this six of cup for Pisces? Eight of cups. Definitely, someone walked away. हो सकता है कि जिसके साथ आप फैमिली में रहते हैं या जिसके साथ आपका चाइल्डहुड कनेक्शन है या पास पर्सन है जो कि जा चुका है आपकी लाइफ से, और हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, किसी ने बहुत ज़्यादा हार्श ट्रुथ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से कोई एक पर्सन जो है वो वॉकआउट हो गया है। कुछ ऐसे झूठ या कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसकी वजह से एक पर्सन वॉकआउट हो चुका है, और इमोशनल अटैचमेंट आपकी उस पर्सन से थी तो वो इमोशनली डिटैच्ड हुए हैं। उस पर्सन की इमोशनल डिटैचमेंट आपके लिए एक चैलेंज है, आप थोड़े इनडिसाइसिव हुए हैं इस हवाले से। एक और कार्ड लेते हैं सिक्स ऑफ कप के लिए। व्हाई दिस सिक्स ऑफ कप, व्हाई दिस एट ऑफ कप। टेन ऑफ वांड, डेफिनेटली टायर्ड एंड बहुत ही बर्डनाइज्ड हो गया था ये चीज़, और दे डोंट वॉन्ट टू कैरी दैट बैगेज ऑन देयर शोल्डर। वो जो है इस बैगेज को अपने इस बोझ को अपने इस कंधे पे नहीं ले सकते कि उनके ऊपर क्या आप नहीं ले सकते ये बोझ अपने कंधों पे अब के जो भी ये बातें हैं इनको आपको टैकल करते करते आप जो है बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और आपने अपने आप को डिटैच कर लिया है इस सिचुएशन से। लेट्स सी के व्हाट इज दिस फाइव सोर्स फॉर पाइसेस। ओके, फाइव ऑफ वांड एंड नाइन ऑफ वांड। डेफिनेटली कुछ है, कोई झगड़ा फसाद बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है जिसको आप अपने आप को उससे डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप को उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर लोग आपके ऊपर कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिससे आप बचने की कोशिश करें, अपने आप को बचने की कोशिश बचाने की कोशिश करें। ये मुझे ऐसा लगता है फैमिली फ़ाइट है कोई जिसमें आप इन्वॉल्व हुए हैं इस वक्त, और आप बहुत ज़्यादा इस फाइट के बोझ तले आ चुके हैं और आप जो हैं इसको इससे डील करते 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 बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और आपने फाइनली ये डिसाइड करेंगे कि अब जो है मुझे इस चीज़ से वॉकआउट हो जाना चाहिए, बिल्कुल सेपरेट कर लेना चाहिए अपने आप को इस सिचुएशन से, ये जो भी टकर वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त, और इससे अपने आप को जो है डिटैच कर लेना चाहिए। और हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो जो कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान आने की कोशिश करी हो सकता है फैमिली है जो कि बहुत ज़्यादा आपस में, हो सकता है कि ये आपको हार्ट ब्रेक और बिल्कुल डिटैच हो जाएं आप इससे, बिल्कुल अलूफ और डिटैच, बिल्कुल अपने आप को अकेला कर लें आप, हो सकता है। और जो भी है या फिर ये कोई और पर्सन है जिसने अपने आप को अकेला कर लिया है, डिटैच हो गए और जो है वो बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वॉल्व अगेन इन दिस सिचुएशन। सो हो सकता है ये आप हो सकते हैं या कोई एक पर्सन हो सकता है जिसके हवाले से ये बातें की गई हैं। सो पाइसेस, लेट मी नो कि आपके साथ ये चीज़ें किस तरह से पैन आउट हुई हैं और न्यू मून की एनर्जी आपके साथ किस तरह से पैन आउट हुई है। सो इफ़ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।